हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। आज हम एक ऐसी मेडिसिन जो कि गर्मियों से मुतलका है उसके बारे बात करेंगे। वो मेडिसिन जो आज हम जेरे बहस लाएंगे उसका नाम है एंटीमोनियम क्रोडम। ये दवाई ब्लैक सुरमा यानी सल्फाइड ऑफ, ये मेडिसिन ब्लैक सुरमा यानी एंटीमनी और सल्फाइड ऑफ एंटीमनी से बनता है। इसका बेसिकली सबसे ज़्यादा असर जो है मैदे के ऊपर है इसका, और दूसरा गर्मियों के मौसम में इसकी अलामत सबसे ज़्यादा नुमाया होती है, खुसूसन वो लोग जो धूप में काम करते हैं खुली जगहों पर। वो अपनी जेब में एक मेडिसिन, ये वाली मेडिसिन अपनी जेब में रखें, धूप की वजह से अगर उन्हें किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम हो ये मेडिसिन इस्तेमाल करें। दूसरा गर्मी से, ऐसे लोग जो गर्म जगहों पर काम करते हैं, फैक्ट्रियों में काम करते हैं और वहाँ पे वो गर्माइश ज़्यादा होती है और शिद्दत होती है वहाँ पे गर्माइश की, तो वो लोग ये मेडिसिन ज़्यादा इस्तेमाल करें, उनको फ़ायदा होगा। दूसरा, इस मेडिसिन का एक सबसे अहम जो सिम्टम है वो है आपकी ज़ुबान। ज़ुबान मैदे की ख़राबी की वजह से सफ़ेद हो जाती है, उसके ऊपर एक सफ़ेद फर जो है वो नज़र आती है। दूसरा, इसमें मोटापे का रुझान बड़ा ज़्यादा पाया जाता है, यानी मरीज़ स्मार्ट नहीं होता बल्कि वो मोटापे की तरफ जा रहा होता है। तो दोस्तों, इन छोटी छोटी और मोटी अहम जो है अलामात, इनको आप सामने रखें तो इंशाल्लाह ये मेडिसिन आपको फ़ायदा देगी। दोस्तों, इस मेडिसिन की एक और अलामत ये है कि इसमें ऐसे बच्चे जिनको कब्ज़ रहती है या अचानक उनको पोटियां लग जाती हैं, दस्त वगैरह आ जाते हैं, जब आप उनकी तरफ, उस बच्चे की तरफ देखेंगे तो वो चिड़चिड़ापन आप उसमें नज़र आएगा, वो अपनी तरफ देखा जाना बर्दाश्त नहीं करेगा। दूसरा, ये आप बाहर से आते हैं, गर्म मौसम है, आते ही ठंडे पानी से नहा लेते हैं, उसके बाद जो आपके अंदर चेंजेस आती हैं या आपको तकलीफ़ आती हैं ठंडे पानी के नहाने से, या नहर में आप, गर्मियों का मौसम है, एकदम से आपने छलांग लगा दी है ठंडे पानी में, तो उसके बाद जो प्रॉब्लम को चेंजेस आए आपके जिस्म पे, आपके ख्यालात में, आपके जहन में, आपके जिस्म पर, तो ये उन असरात को भी कवर करती है। अच्छा दोस्तों, इसमें एक अलामत और भी बड़ी अहम है जो मैं समझता हूँ बड़ी ज़रूरी है। एक तो आप बहुत ज़्यादा ओवर ईटिंग कर जाते हैं जिसकी वजह से मैदे में, मैदा जो है उसको बर्दाश्त नहीं करता, तो मतली की कैफियत भी शुरू हो जाती है। इसके अलावा आपने ज़्यादा नशास्तेदार ग़ज़ाएँ खा लेते हैं, ओवर ईटिंग कर लेते हैं, उसके जो बद असरात हैं वो 200 की एक ताकत एंटीमोनियम क्रोडम की अलामात को साफ कर देती है और क्लियर कर देती है। दूसरा, एक इसकी अहम तरीन अलामत जो मैदे के ख़राब होने की होती है वो ये होती है कि आपके नाखनों के साथ छोटे छोटे हॉर्न टाइप कैफियत जो है ना वो सामने आती है, उसको जैसे थॉर्न कहते हैं, वो उससे भी पता चल जाता है कि मैदा ख़राब है। दूसरा, शगाफ आ जाता है मकद वाली साइड पर, और दूसरा होंठों के दरमियान क्रैक्स भी आ जाते हैं, जिसकी वजह से हमें पता चल जाता है कि ये किस मेडिसिन का तलबगार है। ज़्यादातर गर्मियों में इसका, और इसके कमी कैसे होती है अमराज में, बाज़ दफ़ा ठंडक से और ठंडी जगह पर रहने से और सर्दी से इसमें मर्ज़ में जो है फाका हो जाता है। कमी बेशी आप लाजमी अपने डॉक्टर को बताएं या ख़ुद से नोट करें कि किस हालत में मर्ज़ ज़्यादा होता है और किस हालत में मर्ज जो है उसमें फाका होता है। इसके अलावा दोस्तों, शराब ज़्यादा पीने से भी और शराब और खट्टी चीज़ें ज़्यादा इस्तेमाल करने से और उसके जो बद असरात हैं उससे भी ये जो है ना अलामात सामने आती हैं। मरीज़ बुझा बुझा सा रहता है, अपनी तरफ देखा जाना पसंद नहीं करता, और सबसे ज़्यादा आप कोशिश करें कि मरीज़ की जो है माइंड सिम्टम वो लें, और दूसरा एक ज़ुबान के ऊपर सफ़ेद रंग की जो फर जमी होती है उससे आप मेडिसिन को फौरन सेलेक्ट कर लेते हैं, मगर साथ कमी बेशी ज़रूर देखें,
कि कमी बेशी किस तरह से जो है ना मरीज किस हालत में उसको आराम आता है और किस हालत में उसको मर्ज में शिद्दत अख्तियार करता है। शुक्रिया, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। इंशाल्लाह नेक्स्ट एपिसोड में आपसे मुलाकात होगी। गुड बाय फ्रेंड। साथ साथ आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें ताकि दूसरे लोगों को भी हमारे इस चैनल से फ़ायदा हो। शुक्रिया।